हेलो स्टूडेंट्स, ये बताइए कि सेट थ्योरी आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उम्मीद आ रही होगी क्योंकि चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है और सेट अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सेट इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि अगर सेट क्लियर होगा तो तुम्हारी जो 12th क्लास में है, दो चैप्टर आते हैं, एक रिलेशंस एंड फंक्शंस आता है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए सेट थ्योरी जो है, जो चैप्टर आपका सेट है, वो बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल फुल तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ना, तैयार करना है बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग टू और डजंट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। अब ये देखना है कि फाइव ये बिलोंग, हाँ, हमें जो सिंबल है, अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर, किसी सेट के अंदर आता है तो सिंबल कौन सा यूज होता है, बिलोंग टू का। नहीं आता है तो डज नॉट बिलोंग टू का, क्लियर है। अभी चेक करो, फाइव इसके अंदर आ रहा है सेट में, बिल्कुल आ रहा है, दिख रहा है ये सेट, तो बिलोंग टू है ना, ये वाला सिंबल आएगा। एट नहीं आ रहा है, डजेंट बिलोंग टू। जीरो नहीं आ रहा है, डजेंट बिलोंग टू। फोर आ रहा है, बिलोंग टू। टू आ रहा है, बिलोंग टू। टेन नहीं आ रहा है, डजेंट बिलोंग टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से लिखना है। एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादातर सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले टाइम में, है ना, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से लिखना, कुछ सेट ऐसे होते हैं जो रोस्टर फॉर्म से लिखे ही नहीं जाते, उन्हें लिखना बहुत कठिन हो जाता है। तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो सेट ए इक्वल टू सेट, हाँ, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन -7। तो इसे अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, है ना, रोस्टर फॉर्म में मैं इसका आंसर लिखूं ए इक्वल टू, तो कौन से इंटीजर आएंगे भाई, इसके सारे के सारे एलिमेंट एक्स हैं और एक्स क्या है, एक इंटीजर है और एक्स जो है -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो क्या आएगा भाई, -3 से बड़ा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 तो आने का नहीं क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो 7 से कम है। तो इजी क्वेश्चन था, है ना। b इक्वल टू x सच दैट, है ना, सेमी कोलन को क्या बोलते हैं यहां पर, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है और जो 6 से छोटा है, तो 1 2 3 4 5 आएगा। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर c इक्वल टू ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज x एंड सच दैट x इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x एक टू डिजिट का नेचुरल नंबर है जिनका, जिनके डिजिट का सम जो है वो 8 है। तो कौन-कौन से आएंगे भाई, भाई सबसे पहला कौन सा होगा, 17 होगा क्योंकि दोनों का सम क्या है, 8 है। फिर 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80, यही है ना, दोनों का सम क्या है, 8 है। 08 तो आ नहीं सकता ना। पार्ट 4, डी इक्वल टू ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 60। एक्स एक प्राइम नंबर है और जो 60 को डिवाइड कर सकता है। तो कौन कौन से नंबर आएंगे भाई, 2 प्राइम नंबर है और 60 को 62 से डिवाइजेबल भी है ना, योर 62 जो है 60 का डिवाइजर भी है। 3 प्राइम नंबर है, डिवाइजर भी है। 5 प्राइम नंबर है, डिवाइजर भी है ना। 5 के बाद में 60 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 6 कर सकता है, परंतु 6 प्राइम नंबर नहीं है तो इसे नहीं लिखेंगे, है ना। उसके बाद 6 के बाद से कोई क्या कर सकता है, 10 कर सकता है, प्राइम नंबर नहीं है। 10 के बाद से क्या कर सकता है, 12 कर सकता है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर क्या कर सकता है, 15 कर सकता है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर क्या कर सकता है, 24 नहीं कर सकता। 15 के बाद में तुम्हारा क्या करेगा, डायरेक्ट 30 ही करेगा, है ना, वही प्राइम नंबर नहीं है, 60 प्राइम नंबर नहीं है। तो यही आएंगे, डी इक्वल टू 235। क्लियर है, इसका पार्ट 5 करवाता हूँ। दिस इज द पार्ट 5th ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसे मुझे सेट बिल्डर, इसे कैसे लिखना, रोस्टर मेथड से लिखना है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सारे के सारे लेटर्स को मैं कोमा लगा के लिख दूंगा और एक लेटर केवल एक बार ही लिखा जाएगा। अगर एक लेटर में दो बार लिख भी देता हूँ तो काउंट वो एक बार ही होगा, है ना। तो क्या आया है, टी आर आई जी ओ एन ओ आ चुका है, एम ई टी आ चुका है, आर आ चुका है और वाई, लिख दिया रोस्टर मेथड से, कोई दिक्कत।
इजी क्वेश्चन था, एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, तो बी आ गया, ई आ गया, ई आ गया, टी लिख चुका हूँ, ई लिख चुका हूँ, और आर हो गया, रोस्टर मेथड से इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट विल्टर फॉर्म, इन्हें मुझे सेट विल्टर फॉर्म से लिखना है। सेट विल्टर फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि सारे के सारे एलिमेंट को हम एक्सपोज कर लेते हैं और उस सेट की जो एलिमेंट है उसकी कोई क्वालिटी हम पहचानते हैं, उसे हम लिख देते हैं, ठीक है ना। कैसे देखो, अब ये क्या है, इस सेट के एलिमेंट क्या है, 3 6 9 12 ये है, तो क्वालिटी देखो जरा, यहाँ पे देखो 3 2 6 3 3 9 3 4 12 है ना, ऐसा आ रहा है, यानी कि 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं और 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं 15 से कम है ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3x, जो 3 का मल्टीपल है एंड x 15 से छोटा है या 12 से छोटा और इक्वल है, इस तरीके से लिख सकता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पे चेक करो जरा, 4 2 4 3 16 32, यानी कि देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, इस तरीके से आ रहा है ना, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एक्स, एक्स इक्वल टू, एक्स क्या है, 2 की पावर n है, x 2 की पावर n है, क्योंकि 1 2 3 4 5 सिंपल काउंटिंग आ रहा है ना, x इक्वल टू 2 की पावर n एंड n जो है वो कहाँ तक है, 5 तक है, n 5 के इक्वल और लेस देन है ना, इजी है। और यहाँ पे देखो अगर पहचानो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, सिमिलरली तुम यहाँ लिख सकते हो, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज x, x इक्वल टू 5 की पावर n और n बिलो n लेस देन एंड इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या है 2 4 6 डॉट 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 एंड सो ऑन आ रहा है ना, तो क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे तुम लिख सकते हो इसे, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज x, x इक्वल टू तुम लिख सकते हो 2n, ऐसे लिख दो, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा लिखना ना चाहो तो दूसरे तरीके से लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो यहाँ पे ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज x, x इज आ पॉजिटिव, एक्स इज अ पॉजिटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये भी लिख सकते हो, और 0 से बड़ा, क्योंकि 0 जो है इवन इंटीजर, 0 2 से डिवाइजिबल है, इवन इंटीजर में से तुम लिख सकते हो, और यहाँ पे लो लिख दो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे पहचानो जरा, 1 की पावर 1, 2 की पावर, हाँ 1 की पावर 2 लिख सकते हो, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, डॉट 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 10 की पावर 2 लिख सकते हो, जैसे क्या लिख सकते हैं हम, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन की पावर 2, एक्स जो है एन की नेचुरल नंबर की पावर 2 है और एन लेस देन एंड इक्वल टू 10 और एन जो है 10 से छोटा और बराबर, तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, ओके।